जो राम सेतु को काल्पनिक बता देते हो, भगवान राम को काल्पनिक बता देते हो और राजनीति करने का आरोप, झूठा आरोप लगा रहे हैं। सही बात तो ये है कि ये वहां जाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है इस तरह के उटपटांग बातें ये लोग कर रहे हैं। भगवान राम सभी के हैं, सबको जाना चाहिए, लेकिन यह लोग जो है दोयम चरित्र के लोग हैं। इन लोगों से हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। हर व्यक्ति के सपने होते हैं, हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है, उन्हीं सपनों उन्हीं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मोदी जी की गारंटी यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश के सभी गांव में जा रही है और तमाम 17 जो प्रमुख विभागों के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि, विधायक, तमाम वो कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो तमाम गाँव में पहुँच रहे हैं और जनता के साथ। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से यहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में लोग आ गए हैं। कड़कती ठंड है लेकिन जिस तरह से लगातार समर्थन मिल रहा है मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा को, लोगों का, गांव की जनता का, ये माना जा सकता है कि एक बेहतर कदम है। और 2047 तक जो मोदी जी की परिकल्पना है कि जब देश आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाए तो विकसित भारत के रूप में वो सम्मिलित रहे। और इसी क्रम में औराई के जो विधायक हैं दीनानाथ भास्कर जी, जो लगातार सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करते हैं, हम आपको बता दें कि करीब आधे घंटे से लगातार इन्होंने विस्तार पूर्वक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी जानकारी लोगों को दी और लोगों से सीधा संवाद किया। तो आइए हम सीधा जुड़ते हैं विधायक जी से और जानते हैं कि ये मोदी जी की जो गारंटी यात्रा है इससे लोगों को कितना बेहतर लाभ मिल रहा है। जी विधायक जी, क्या कहेंगे इस गारंटी यात्रा को लेकर? सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आभार प्रकट करते हैं कि इस तरह का शानदार कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है और भारत सरकार के द्वारा यह गारंटी की गाड़ी जो है चलाई जा रही है और यह कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। हमारे भदोही जिले में भी बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है और काशी क्षेत्र में भदोही जनपद नंबर 1 पर है। विकसित संकल्प यात्रा जो है नंबर 1 पर चलाई जा रही है और यह माना जा रहा है कि भदोही इसी कार्यक्रम में सफल है और हम लोग इस कार्यक्रम को पूरा समय दे करके इसको कर रहे हैं। और जनता के बाद यह देखा गया है पहली बार नेता और अधिकारी एक मंच पर बैठते हुए दिख रहे हैं और समस्या का समाधान करते हुए दिख रहे हैं। देखिए यह जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका मकसद ही है कि सरकार जनता के द्वार इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है और 17 विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं और पहले वह जनता की समस्याओं को ले रहे हैं, सुन रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उपलब्धियों पर चर्चा किया जा रहा है। सर, 550 साल से जिस दिन का इंतजार था पूरे देश को, 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उस अवसर पर आपके द्वारा जनपद में किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए? देखिए हमारे द्वारा नहीं, एक सिस्टम काम कर रहा है, हर गांव में जितने मंदिर हैं, हर गांव में एक मंदिर पर हर कीर्तन होगा, रामचरितमानस होगा, सुंदर पाठ होगा और वहां पर जो है टीवी लगेगी, एलईडी लगेगी और वहां पर सीधा प्रसारण होगा। जिस गांव में जहां के लोग हैं उसी गांव में जो है राम जन्मभूमि के दृश्य को वो देखेंगे और देख करके वो प्रफुल्लित होंगे और वहीं पर पूजा पाठ भी करेंगे। और जब यह अनावरण हो जाएगा, मूर्ति की स्थापना हो जाएगी, तब फिर उसके बाद क्षेत्रवार वहां जाने का प्रोग्राम बना हुआ है अयोध्या में दर्शन करने के लिए। और यह हम लोगों का सौभाग्य है कि इस पीढ़ी में हम लोगों ने जन्म लिया है और 500 साल के विवाद को हल होते हुए हम लोग देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को आभार उनका प्रकट करना चाहते हैं कि खून का एक कतरा गिरे बगैर भाईचारा के साथ
मंदिर का निर्माण होते हुए हम लोग देख रहे हैं और पूरा दुनिया देख रही है, विश्व देख रहा है। विपक्ष जो है कि आवाज उठा रहा है कि हमें निमंत्रण मिलने के बाद भी हम मंदिर में नहीं जाएंगे। देखिए पहले अगर राहुल गांधी जी को निमंत्रण दिया गया, इसके पहले उनको ये था कि निमंत्रण मिलना चाहिए, पहले निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे। जब निमंत्रण पहुंच गया था, अब कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है, यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यह कार्य यह जो है मंदिर की मंदिर का जो है कार्यक्रम जो है वह शुद्ध रूप से ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम है। ट्रस्ट के लोग जो है वह सभी को निमंत्रण दे रहे हैं, किसी एक पार्टी का नहीं है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आम नागरिक इस मंदिर निर्माण के लिए एक एक रुपया दिए थे। जो है जेडीयू के नेता कहते हैं कि जितना पैसा लगाया गया, अगर इतना पैसा में चाहते तो दसों जो है अस्पताल बन गया होता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ जनता दल यू के नेताओं को या जनता दल के नेताओं को, या हम बताना चाहते हैं कि सरकार का पैसा इसमें नहीं लगा है, यह पैसा आम नागरिक का है। एक रुपया से लेकर के 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया जो है नागरिकों ने दिया है, देश की जनता ने दिया है, और वह पैसा से मंदिर का निर्माण हो रहा है।